इस प्रकार लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास किया गया है। सामान्य श्रेणी के, जनरल कैटेगरी के गरीब परिवारों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिले। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का मुद्दा गरमाया हुआ है। सरकार का इसके पीछे अपना तर्क है तो विपक्ष के अपने सवाल। विपक्ष ने इसे सीधे तौर पर राजनीति से प्रेरित फैसला बताया है, लेकिन इस बिल को लेकर कई तरह के और सवाल भी खड़े हैं, जो इसकी व्यवहारिक कठिनाइयों की तरफ इशारा करते हैं। सवाल ये कि जिन अनारक्षित वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिए जाने की बात कही जा रही है, ऐसे में अनारक्षित वर्ग के 3/4 हिस्से से ज्यादा को इसका लाभ मिलने की संभावना है। ऐसे कई कठिनाइयां हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और वो क्या है एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संस्थान का सर्वे कहता है कि देश के 95% परिवारों की सालाना आय 8 लाख से कम है। कृषि जनगणना के मुताबिक 87% किसानों की जमीन का रकबा 5 एकड़ से कम है। गरीब की परिभाषा में 90% आबादी आर्थिक आधार पर आरक्षण की लाभार्थी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। जस्टिस रेड्डी ने कहा था कुछ हालातों में सरकार ये सीमा लांघ सकती है। विरोधियों का कहना है कि 10% सामान्य गरीबों को कोटा देने से मेरिट के लिए 40% सीटें ही रह जाएंगी। कानूनविदों की माने तो बिल पास भी हो गया तो अदालत की जांच में खरा नहीं उतरेगा। बहरहाल आरक्षण पर संविधान संशोधन बिल को करीब करीब सभी दलों के साथ एक तरह से कांग्रेस ने भी हरी झंडी दे दी है। देखना होगा कि बिल पास हो जाता है तो अदालत की जांच में ये खरा उतरता है या नहीं। दूसरा सवाल ये भी कि जिस तरह से सरकारी नौकरियां बची नहीं है, ऐसे में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण पर कानून बन भी गया तो इसका लाभ किसको और कैसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। सवर्णों को 10% आरक्षण का मुद्दा इस वक्त देश का सबसे हॉट इश्यू है। राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा हुई और कई सवाल भी खड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल बिल की टाइमिंग को लेकर है। बिल के समर्थन में AIDMK के अलावा सभी दल हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, सरकारी नौकरियां जब बची ही नहीं तो आरक्षण का लाभ किसे और कैसे मिलेगा। वहीं बीजेपी के घटक दल भी मांग कर रहे हैं सरकारी नौकरियों के साथ निजी सेक्टर में भी आरक्षण का लाभ दिया जाए। कहा जाता है ये बिल आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए है। कुछ देर पहले अभी हमने आपको प्रधानमंत्री का भाषण भी दिखाया था, उन्होंने कहा कि ये बिल गरीबों के लिए, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए है तो यहां 8 लाख की आय सीमा कैसे गले उतर सकती है, जबकि इनकम टैक्स 2.5 लाख पर देना होता है। जो जाहिर है ये बिल गरीबों के लिए तो नहीं हो सकता। क्या ये बिल व्यवहारिक है, सुप्रीम कोर्ट में ठहर पाएगा? जी हां, यही है हमारा आज का विशेष, अनारक्षित को आरक्षण। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शैलेंद्र प्रधान, देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही त्रिलोक दीपानी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, और देवेश कल्याणी वरिष्ठ पत्रकार प्रदेश टुडे के संपादक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। त्रिलोक दीपानी, आप भी इसके समर्थन में हैं, गरीबों के लिए ऐतिहासिक कदम है, क्या देख रहे हैं आप, क्या कैसे ये लागू होगा? सरकार की मंशा पर तो आप कई सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन खड़े साथ ही नजर आ रहे हैं। भाई, ये बिल जो है बहुत ही जल्दी में लाया गया और सामने आने वाले 2 महीने के बाद चुनाव का बिगुल बज जाएगा।
चुनाव को देखते हुए अपने लाभ के लिए लाया गया है, लेकिन इनके गुण दोषों को नहीं देखा गया कि जैसा कि प्रक्रिया चलती है, जो ये बिल पेश किया गया है, दो तिहाई बहुमत लोकसभा में पास होना चाहिए, दो तिहाई बहुमत राज्यसभा में पास होना चाहिए, उसके बाद जो हिंदुस्तान की विधानसभाएं में है उनमें 50% विधानसभाओं में पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कम से कम 6 महीने लगते हैं। और इसी तरह का बिल हमारी नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में लेकर आए थे। वो बिल लाने के बाद जब 1992 में सुप्रीम कोर्ट में ये गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2092 में 9 जजों की बेंच ने 6-3 के बहुमत से इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक निर्णय है कि 50% से किसी भी प्रकार का आरक्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए। वर्तमान में जो आरक्षण है SC ST के लिए, पिछड़ों के लिए, दूसरों के लिए 49.5% आरक्षण है। उसके बाद मनमोहन सरकार में भी एक जाट समुदाय के लिए हम लोग बिल लेके आए, वो भी नहीं टिक सका। तो ये इस प्रकार का, जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी, खास करके हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं, ये बिल भी जुमला बनकर रह जाना है, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। किस प्रकार से आप उसको करेंगे, जैसे आपने बताया कि जो इन्होंने नॉर्म्स बनाए हैं उसमें 95% जनता आ जाती है। तो जब आप एक तरफ तो घोषणा करते हैं कि हम 3 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, वो पूरा करते नहीं है। आपके पास नौकरी है नहीं, और शिक्षण संस्थाओं में चाहे वो प्राइवेट हो जिनको अनुदान रहित है या अनुदान सहित है, उसमें आप उनको आरक्षण देंगे। तो इस प्रकार से जो प्रायोरिटी आपने तय की है वो कहीं पर भी खरी नहीं उतरती है, केवल जनता को भ्रम जाल में फंसाने के लिए और आगामी चुनाव को देखते हुए ये बिल लाया गया है, जो कि कतई व्यवहारिक नहीं है। चलिए देवेंद्र दुबे, कैसे देखते हैं आप इस बिल को? आपको क्या लगता है कि ये इससे, ये क्रांतिकारी बिल है, इससे बहुत लोगों को फायदा होगा, या ये भी अन्य उन्हीं तरह की कवायद का हिस्सा हो जाएगा जिस पर सवाल खड़े होते रहे? देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां देश में बनी हैं, अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, उसमें ये बहुत ज़्यादा ST SC जो बिल इसके पहले था उसकी नाराज़गी की बात आई थी, और नोटा को लोगों ने बहुत दबाया था। तो अब जब लोकसभा चुनाव कुछ 1-2 महीने बाद हैं, तब पार्टी, हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मुद्दे ले जाता है चुनाव में, जिससे वो जीत हासिल कर सके। तो मुझे लगता है ये भाजपा की केंद्र सरकार ने एक ऐसा दाव खेला है जिसमें बहुत कुछ उनका जो पुराना मतदाता था वो लौट के पार्टी की तरफ आ जाए। अब इसमें जो भी कानूनी विसंगतियाँ हैं वो तो चुनाव के बाद उनको फेस करना पड़ेगा, लेकिन आज इस स्थिति में पार्टी जरूर आ गई कि कोई भी दल उसका विरोध नहीं कर पाया। एक ऐसा बिल जिस पे किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसका विरोध करे, एक छोटे मोटे 1-2 दल को छोड़ के बड़े दलों ने कोई विरोध नहीं किया। तो स्वाभाविक रूप से ये पूरा चुनाव का एजेंडा है और चुनाव सामने हैं, सकारात्मक माहौल बनाने की दिशा में पार्टी ने काम किया है। यहाँ तक कि आप देखेंगे सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही थी कि ये बिल यदि पहले आ जाता तो हो सकता 5 राज्यों में नहीं तो 3 राज्यों में परिणाम कुछ और होते। तो कुल मिला के पॉलिटिकल है, लेकिन उन लोगों के लिए एक डूबते को तिनके के सहारा जैसा है, जो लोग सामान भर के एक उम्मीद लगाए थे कि हमारे साथ भी, हमारे बारे में भी सरकार सोचे, राजनीतिक दल हमारे बारे में विचार करें, हमारी भी संख्या है, हमारी भी समाज में उपस्थिति है। दे, जिस तरह से प्रधानमंत्री अभी कह रहे थे गरीबों के लिए, तो क्या लगता है आपको ये गरीबों के लिए है? हर योजना बनती है वो गरीबों के लिए कह के बनाई जाती है। अमीरों के लिए जो योजनाएं चलती हैं वो कहीं नहीं जाती ना बनाई जाती हैं, वो तो उनको सुविधाएं दे दी जाती हैं और उसका खंडन भी कर दे कि हम अमीरों को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। तो ये कहा यही जाएगा, गरीबी हटाओ इंदिरा जी के समय से नारा चल रहा है, ना गरीबी हटी ना कोई योजनाएं सार्थक हुई, क्योंकि बहुत विशाल जनसंख्या है, बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक दाव पेच है। तो ये एक उम्मीद तो है कि सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं जिनको कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी, थोड़ी बहुत कुछ तो उनको एक अंधेरे में रोशनी दिखाई दी इस बिल से। चलिए
क्या कहेंगे प्रधान साहब? ये अभी कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता कह रहे थे बहुत लेट आया जी। ये रिपोर्ट मेजर जनरल सिहनो ने 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की गई थी। आज 2019 है, इन्होंने पूरा टाइम निकाल दिया, इन्होंने उस पर विचार नहीं किया। अगर हम कह रहे हमने कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि चुनाव की दृष्टि से है। तो साहब आपको कौन ने रोका था, आपके कार्यकाल में आप इस रिपोर्ट को क्यों नहीं लाए? और निश्चित ही एक नाराजगी सामान्य वर्ग में आ गई थी कि हर जगह आरक्षण के कारण उनके साथ के बंधु, उनके मित्र जो उस वर्ग से थे, उनको नौकरी भी मिल रही, प्रमोशन भी मिल रहा, और अगर वो केस लगा दे तो बिना सुनवाई के वो बंद भी हो जाएंगे सामान्य वर्ग का व्यक्ति। और जो उसके कारण इंटरसिटीज एक्ट के कारण जो सामान्य वर्ग में जो बहुत नाराज़गी आ गई थी, और जिसके कारण चुनाव में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा, इस बिल के माध्यम से ये बात सही है कि ऊँट के मुंह में जीरा है, पर आखिर कुछ तो अंधेरे में एक किरण तो दिख रही है, जिससे मुझे लगता सामान्य वर्ग का बंधु खुश होगा और उसको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिली। उसको खुश करने के लिए आपने एक बड़ा सियासी दांव चलाया, ये कह रहे हैं। ये खुशी क्यों प्राप्त होती है, क्या इसकी मैं साइकोलॉजी आपको समझाऊं? उसको कहीं ये लगे कि उसका शोषण नहीं हो रहा तो निश्चित ही उसे खुशी होती है जी। और उसका श्रेय भी आप ही लेंगे? नहीं नहीं, हम श्रेय नहीं लेंगे, सब सब तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ऐतिहासिक फैसला हुआ कल। देखिए, सर्वसम्मति से सभी दल पास कर रहे हैं जी, तो सब ले सकते हैं, कौन रोक रहा? चलिए, देवेश कल्याणी, क्या देखते हैं आप इस अनारक्षित वर्ग को आरक्षित करने की कवायद? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो सरकार ने कदम उठाया है, ऑलमोस्ट ये आखिरी सेशन है और इसके बाद चुनाव का बिगुल बज जाना था, उसका भी आखिरी दिन। इसके पहले मंत्रियों तक को पता नहीं था कि ऐसा कोई बिल आना है। इस बिल को इतना गोपनीय रखने की क्या कोई जरूरत थी, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो कि ये जो सीमा तय करी है 8 लाख की या जो 10% की, इसके पीछे का लॉजिक अभी तक बाहर निकल के नहीं आया है। अगर 66,666 रुपए 5x6 तक की जो वेतन सालाना मतलब मंथली पाने वाले लोग हैं, अगर वो इसके क्राइटेरिया में आते हैं, तो 2.5 लाख से जैसा आपने बताया कि इनकम टैक्स जी सीमा, तो सरकार को तुरंत ही कल एक और बिल लाना चाहिए और जो इनकम टैक्स छूट की सीमा है वो 8 लाख कर देना चाहिए। हाँ, वहां से क्रीमी लेयर शुरू होनी चाहिए और ये 5 एकड़ तक के किसान और ये इस तरह की, तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ वाकई कुछ ऐतिहासिक काम सरकार करने जा रही है। अगर ऐसा नहीं है और इस दायरे में 95% जनसंख्या को लाने का ये जो दावा है, ये कितना बड़ा झूठ है, इस बात से समझिए कि इस दायरे में वो लोग भी शामिल हैं जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, वो लोग भी शामिल हैं जो बहुत ही सी कैटेगरी के जेड क्लास वाली सरकारी शिक्षा में पढ़ते हैं, और वो लोग भी शामिल हैं जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट भेजते हैं। तो एक कॉन्वेंट में बच्चे को भेजने वाले जो ऑलमोस्ट जो 66,666 रुपए प्रतिमाह कमाने वाले लोग या 5 एकड़ वाले किसान या 1,000 गज के मकान वाले लोग, जिनकी बात इसमें ब्लाबला जो इसमें सब कुछ है लिखी गई है जी, उनके बच्चों से ये गरीब बच्चे कैसे मुकाबला करेंगे? क्या ये बिल वाकई गरीबों के लिए है? और मुझे लगता है कि इसके पीछे ये जो इनका मंथन चल रहा था उसको
हम अगर थोड़ा सा अलर्ट होके देखें तो आपको पिछले साल का एक आदेश याद होगा, एक अंग्रेजी अखबार में एक विज्ञापन जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि मंत्रालय में काम करने वाले अफसर प्राइवेट कंपनियों से ले लिए जाएंगे और उनके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। तो ये बगैर परीक्षा का, बगैर आरक्षण का ये जो सिलसिला शुरू किया था, उसके बाद एक और बड़ा जबरदस्त फैसला आया था 23 सितंबर 2018 को, और वो था कि SC ST को भी क्रीमी लेयर में शामिल किया जाए। मुझे लगता है कि ये कदम, अगला कदम जो है ये आरक्षण को खत्म करने की तरफ है। इस व्यवस्था से मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई लाभ होने वाला है। अगर आप राज्यसभा की बहस सुन रहे होते तो आज कपिल सिब्बल ने बड़ा खूबसूरत सा तर्क दिया है कि पिछले 5 साल में मोदी जी ने आने के बाद सेंट्रल की जो नौकरियां हैं केवल 45,000 नौकरियां लगभग निकली हैं, और अगर सालाना उसको देखेंगे तो कोई 10 साल का उन्होंने दिया उसका ग्रोथ रेट, और वो 4,500 नौकरियां कुल निकल रही हैं सेंट्रल की, अगर गवर्नमेंट की सेक्टर की बात की जाए तो। अगर नौकरियां निकलने का ये क्रम है तो 130 करोड़ के महासागर से कितने परिवारों तक इसका लाभ पहुंचेगा, या ये एक पॉलिटिकल झुनझुना है, लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि अभी जैसा मेरे मित्र कह रहे थे, ये खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए कि वो उनको वो अलग थलग नहीं है, वो भी इस मुख्य धारा में है। अब वो वर्ग जो जिसके अगर, साथ अगर, दूसरों को अगर आरक्षण से संतुष्टि मिलती है तो मुझे लगता है कि इससे पहले जितने भी आरक्षण के विरोध में ये तर्क दिए जा सकते जाते थे कि ये मेरिट वाला मामला नहीं है, ये तो आरक्षित करके लाए हैं, तो अब पूरी की पूरी आबादी को श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया जाएगा। मतलब अब अयोग्यता ही पैमाना हो गई है, योग्यता के लिए जो पैमाना है उसको अयोग्यता में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम राष्ट्र को एक बहुत बेहतर दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, बजाय हम पूरी कम्युनिटीज को, पूरे राष्ट्र को सक्षम बनाने के, स्किल्ड बनाने के, शिक्षित बनाने के हम उसमें रास्ते निकाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि रास्ता बजाय राष्ट्र को सबल करने के, उसमें से वोट्स को कैरी करने का मामला ज़्यादा लगता है मुझे। तिलक दीपानी, अब SC ST को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें भी क्रीमी लेयर जैसे सवाल खड़े हुए हैं, जबकि संविधान व्यवस्था असमानता को दूर करने के लिए ये की गई थी। अब क्या रुख होगा कांग्रेस का इसमें भी? और जब एक तरफ आरक्षण को लेकर कई तरह की बहस, जैसा देवेश कल्याणी भी आशंका जता रहे थे कि ये किसी तरह से आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। देखिए, जैसे भी पौने पांच साल में इन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी ने जो भी प्रयोग किए हैं जी, उन्होंने बताया जनहित में है लेकिन वो उल्टे हुए हैं। उसी प्रकार का ये प्रकरण है कि संविधान में संशोधन की आप बात करते हो, 24 घंटे में आप संविधान संशोधन के लिए बिल लेके आते हो, न किसी को विश्वास में लेते हो, न किसी से बात करते हो, इतनी पार्टियां आपके खिलाफ हैं कि आप हमेशा उनकी बातें तो करते हो कि भाई ये सरसम, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कोई भी पार्टी इसका विरोध नहीं कर सकती है। जैसे पहले भी मैंने बताया, इसी प्रकार का यही बिल 1991 में नरसिम्हा राव सरकार लेकर आई थी, वो आप बता चुके हैं, ये बातें बता चुके हैं, लेकिन कह रहा हूं तो उसकी स्थिति क्या बनी, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जब तक कि हस्ताक्षर राष्ट्रपति के नहीं हो जाते, संविधान में संशोधन मान्य नहीं होगा। उसके बाद अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता, मेरा सवाल था, मेरा जो सवाल था उस पर बताइए, SC ST वर्ग जिसको समानता का अधिकार देने के लिए समाज में जो उसके प्रति एक भाव है उससे उसे उबारने के लिए जो SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, अब उस पर भी नए सिरे से बहस शुरू हो रही है इस खासतौर से इस आरक्षण बिल के बाद कि उसमें भी क्रीमी लेयर लागू किया जाए। देखिए रिजवान भाई, मैंने जो बात कही उसका भावार्थ यही निकलता है, केवल ये भ्रमजाल फैलाया जा रहा है। क्योंकि इन्होंने देखा, जब सुप्रीम कोर्ट का SC ST के लिए आदेश आया
उसको किस प्रकार से इन्होंने अपना अध्यादेश लाके और उसको फेर दिया, तो उसकी प्रतिक्रिया जो इन्होंने देखी, जो उसको इनको नुकसान अभी 5 राज्यों में हुआ, उसको भरपाई कर रहे हैं आपका नहीं, उसको देखते हुए ही ये एक लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये बिल लाया गया है, और ये कतई कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि आप रोजगार दे नहीं पा रहे हो। आपकी बात समझ गया, आप नौकरियां दे नहीं पा रहे हो। बारे में आपकी बात समझ गया देवदत्त। जैसा कि देवेश कल्याणी कह रहे थे कि जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा है वो एक गरीब का गुदड़ी का जो लाल है उसके उसको दोनों को एक ही तरह के कॉम्पिटिशन में जाना पड़ेगा, और फिर वही कि सवाल फिर SC ST में भी क्रीमी लेयर का खड़ा हो गया है, और कई पिछले 2-3 दिनों से अभी CBI के मामले में भी इतना बड़ा फैसला हो गया, हाई अब राम मंदिर के मामले में भी चर्चा है, लेकिन सबके ऊपर ये चर्चा भारी हो गई, ध्यान सबसे हट गया। राजनीतिक दल जैसे वर्षा के पूर्व किसान खेती के लिए तैयारी करता है, अपने अस्त्र शस्त्र बीज सब वो तैयार करता है कि अब मैदान या युद्ध के मैदान में जाने के पहले सारे औजार ले बिल्कुल जी। तो जब ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है राजनीतिक दलों को या नेताओं को जब चुनाव आते हैं कि जैसे ICU में भर्ती मरीज हो सामने यमराज खड़े हों, तो उससे बचने के लिए जब जो 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 उपाय सूझते हैं जो सुझाव लगते हैं जो होता है वो राजनीतिक दल करते हैं। सत्ता दल क्या करेगा? सत्ता दल यही करेगा कि वो अपने निर्णय ऐसे करेगा जिससे कुछ तो मतदाताओं को प्रभावित कर सके, इसमें सबको एहसास कराए कि सबका साथ सबका विकास यही है। 95% लोग इस आरक्षण की का लाभ ले सकते हैं, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है ये, इसलिए कि इतने न पद है। चलिए, किसी का नुकसान नहीं है, बस ये है कि किसी का घाटा नहीं हो रहा, किसी की कटौती नहीं हो रही, इस कारण ये बस थोड़ा सा उनको मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए, क्या कहेंगे प्रधान साहब जल्दी से? तिलोक दीपानी कई ढेर सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, खड़े करते रहे, और खासतौर से देवेश कल्याणी ने जो एक बात कही कि वो कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो उससे गुदड़ी का लाल जो है वो कंपटीशन करेगा, आपका बिल यही कहता है। OBC में भी जी जो क्रीमी लेयर है वो 8 लाख ही रखी गई है, और SC ST में भी अगर आप देखें कि एक ग्रुप बन गया है, उन्हीं के बच्चे बार बार आरक्षण लेते हैं। SC ST का जो नहीं, मैं नहीं देख पाता, मैं नहीं देख पाता, आपकी जो आंखें हैं आप ही देख पाते होंगे, मैं तो वैसे नहीं देख पाता इसको। नहीं, वो एक ग्रुप जो है आप जिसके लिए आप कह रहे हैं, मैं नहीं देख पाया आज तक, उसमें भी एक VIP ग्रुप टाइप बन गया है, उन्हीं के बच्चे IAS होते हैं, उसी के बच्चे सब बेनिफिट्स लेते हैं, IAS में भी आरक्षण का लाभ मिल जाता है, लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्रीमी लेयर की जो लिमिट OBC की है वही सामान्य वर्ग के लिए ली गई है। और आप ऐसा कहिए ना कि ये निर्धनों के लिए नहीं है, प्रधानमंत्री फिर क्यों कह रहे हैं कि निर्धनों के लिए है? आप कहिए कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, तो सबके लिए अगर जो आप ऐसा कहिए ना, फिर निर्धन क्यों कह रहे हैं? निर्धन मत कहिए, नहीं जो सबके देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की जो परिभाषा है उसको आप बदल दीजिए। नहीं तो सभी के लिए जो लेयर है, लेकिन फिर निर्धन मत कहिए ना साहब, वापस ले लीजिए निर्धन शब्द। नहीं देखिए, अब आप निर्धन नहीं जी, क्रीमी लेयर से नीचे वर्ड है जी, नहीं ऐसा नहीं कहा आपने, ऐसा नहीं कहा आपने, आपने ये नहीं कहा कि मध्यम वर्गों के लिए हमने ये आरक्षण ये व्यवस्था की है, आप कह दीजिए कि मध्यम वर्ग के लिए किया, कोई सवाल ही नहीं खड़ा करेगा, कोई सवाल नहीं होगा, जो कह दीजिए ना मध्यम वर्ग के लिए, जो OBC के लिए पैरामीटर्स हैं वो ही सामान्य वर्ग के लिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी मंशा कि आप सामान्य वर्ग को आरक्षण देना चाहते थे कि आर्थिक आधार पर गरीबों को देना चाहते थे, यही तय नहीं आप बता पा रहे हैं मुझे। देखिए, आप सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण है जो सामने है उस पे बहस हो रही है जी, मैं क्या देना चाहता हूँ, पर जो शासन का निर्णय है कि 8 लाख की सीमा तक, मैंने मान लिया आपकी बात साहब। चलिए, देवेश कल्याणी संक्षिप्त में कहिएगा, वक्त बहुत कम है, जल्दी से बताइएगा इन सारी बातों पर क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए साहब, ये जिस तरह की क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं जी, मुझे याद पड़ता है कि 2011 में केवल 8 साल पहले एक बड़ा हंगामा हुआ था, योजना आयोग ने कहा था कि 965 रुपए जो शहरी क्षेत्र में कमाते हैं वो भी गरीब नहीं है जी। मासिक था ये 11,000 और कुछ रुपए, और अगर इससे इसकी तुलना करें तो ये केवल 8 साल के अंदर 70% की छलांग है। गरीब
और संपन्न के बीच की, संपन्न भी नहीं कहेंगे उसको कि क्रीमी लेयर जिसको हम कहते हैं, उसके बीच की ये जो इतनी लंबी जो इन्होंने गेप बनाया है, और ये बात मुझे लगता है कि सियासत के लोगों को स्वीकार करना पड़ेगी कि इसमें कहीं से भी गरीबों का भला होने वाला नहीं है जी। और जो संविधान के विशेषज्ञ बोलते हैं, आखिरी सवाल आपसे, इसके बाद ओपन ओपन कैटेगरी, वक्त बहुत कम है मेरे से, एक आखिरी सवाल आपसे जी। अभी एससी एसटी में भी प्रधान साहब कह रहे थे कि क्रीमी लेयर, इसलिए कि एक वर्ग वो बन गया है, एक वो वर्ग, मैंने इसका जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 5 जजों की बेंच आई थी, उनके पास मामला ये गया था कि साहब इसमें से क्रीमी लेयर, मैं आंकड़ों के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कह दिया है वो तो मान्य है ही है, लेकिन आंकड़ों के आधार पर इनका कहना है कि एक क्लब बन गया, एक वर्ग है, वही वही आरक्षण का लाभ पाता है एससी एसटी में। नहीं तो फिर प्रधान साहब को अपनी जानकारी दुरुस्त करनी होगी। देश भर में आप मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों से लेकर सब जगह चले जाइए, एससी एसटी का जो बैकलॉग है वो लाखों में है, 10 लाख से ऊपर पहुंच गया, जिसमें योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिलते हैं। और अगर ये इस संपन्न वर्ग से आने वाले लोग ही होते थे तो अब तक ये भरे जा चुके होते थे, लेकिन लोग ही नहीं मिलते हैं, और यही वजह है कि बैकलॉग पूरे देश है कि नहीं मिलते हैं, कि मंशा भी है कि उनको शामिल करने की, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, इसलिए कि बैकलॉग तो है लेकिन सब बैक में रखना चाहिए। समझिए एक चीज, समझिए कि जब आप ये बोलते हैं, आपने 8 लाख वाला जब आरक्षण करते हैं तो तय बात है कि इसमें गरीब के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, और जब आप गरीब के लिए आरक्षण करते हैं तो उसमें आप 3 लाख, आप जैसे अभी चीजें देखेंगे कि किसको वित्त विकास निगम सहायता नहीं देता, 3 लाख रुपए तक की आय है तो आपको सहायता नहीं मिलेगी, ये है तो आपको सहायता नहीं मिलेगी, आपके घर में मोटरसाइकिल है तो आपको सहायता और नहीं यहां 8 लाख, तो यहां 8 लाख, और यहाँ 8 लाख है, कितना अव्यवहारिक है जी। ये जो अव्यवहारिक है, मतलब आप एक तरफ एक गरीबों का ऐसा ग्रुप बना रहे हो जो किसी भी तरह से कॉम्पीट नहीं कर सके, और दूसरी तरफ अमीरों का ऐसा ग्रुप बना रहे हो जो बहुत सहजता से मौकों को, सारी चीजों को हड़प ले। देवेश कल्याणी आप हमारे साथ जुड़े, तिलक दीपानी आप हमारे साथ जुड़े, देवदत्त दुबे आप हमारे साथ जुड़े, और शैलेंद्र प्रधान आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जिसे हम कल तक अनारक्षित कहते थे, अब वो भी आरक्षण की सीमा में आ गए हैं, और आर्थिक स्थिति उनकी 8 लाख हो तो भी चलेगा। चुनाव है भाई, चुनाव चुनाव सबको जीतना है, सरकार सबको बनाना है, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, सबने सामान्य वर्ग के हक में ये फैसला कर ही दिया, लेकिन इसे गरीबों के हक में फैसला नहीं कहा जा सकता। इस पर बहस जारी है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।